क्या करें, व्हील अलाइनमेंट या व्हील बैलेंसिंग? जी हाँ दोस्तों, जब आप अपनी गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट कराने जाते हैं तो आपके दिमाग में भी यह सवाल उठता होगा कि हमारी गाड़ी की पहले व्हील अलाइनमेंट की जाए या पहले व्हील बैलेंसिंग। तो आज मैं इसके बारे में ही बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ लीला सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलाइनमेंट गुरु। दोस्तों, सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग क्या है, कैसे होती है और इस इन दोनों में क्या अंतर है। इसके लिए आप ऊपर आई बटन में वीडियो देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम व्हील अलाइनमेंट। व्हील अलाइनमेंट गाड़ी के सस्पेंशन में वह एडजस्टमेंट होती है जिसमें गाड़ी के टायर आपस में एक लाइन पैरेलल अलाइन किए जाते हैं, जिससे व्हील पर एक्स्ट्रा लोड ना पड़े और टायर और रोड के बीच जो फ्रिक्शन होता है वो भी कम रहे, जिससे हमारा टायर कम घिसेगा। अब बात करते हैं व्हील बैलेंसिंग की। तो व्हील बैलेंस, व्हील यानी टायर, ट्यूब और रिम, इन तीनों को मिलाकर जो असेंबली बनती है उसे कहते हैं व्हील। और उस व्हील के सेंटर पॉइंट से चारों तरफ वेट बराबर करना ही व्हील बैलेंस कहलाता है। यह व्हील बैलेंस एक व्हील बैलेंसिंग मशीन के द्वारा वेट लगाया जाता है। इसके बारे में आप ज़्यादा डिटेल में जाएं तो ऊपर आई बटन में वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग एक गाड़ी के अलग अलग दो सर्विस पार्ट हैं जो एक साथ किए जाते हैं। इसमें कोई भी काम आगे पीछे हो सकता है, व्हील अलाइनमेंट पहले हो जाए या व्हील बैलेंसिंग पहले हो जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।